आज हमने यहाँ इदारा नूर हक में मरकजी शिकायती सेल बराए के इलेक्ट्रिक का इफ्तिताह कर दिया है और इसी तरह हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स और तमाम जो हमारे दफातर हैं और जितने भी जमात इस्लामी के मराकज़ और दफ्तर हैं उन सब जगहों के ऊपर ये सेल कायम हो रहे हैं और इंशाल्लाह कल तक ये पूरा अमल मुकम्मल हो जाएगा। जो शिकायत हमारे दफातर में आएंगी, नाजायज़ शिकायत हम इंटरटेन नहीं करेंगे, ये बात बिल्कुल वाज़ह है। कोई गलत काम करेगा, कोई चोरी करेगा तो वह जमात के दफ्तर में अच्छा है कि ना आए, लेकिन जिसकी जायज़ बात होगी उसको लेकर हम तरीक़े के साथ जो कागज़ का तरीक़ा होता है, जो बातचीत का तरीक़ा होता है, उसको टेकअप करेंगे और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि फिर उस IBC का भी घेराव किया जाए और उस पर जो हमला मौजूद है फिर उस हमले से अपना जायज़ हक अवामी दबाव के ज़रिए से हासिल किया जाए। इसलिए कि कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई रूल्स ऑफ द गेम तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, तो ये फ़ैसला तो अब आवाम को ख़ुद ही करना होगा। मैं आवाम से कराची के कहता हूँ कि कुड़ने के बजाय, जलने के बजाय, रोने के बजाय हमारे साथ आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह के इलेक्ट्रिक की इन सारी माशी बरकी दहशतगर्दी और इनकी जितने जुल्म है और हुकूमत की खामोशी है उसके ख़िलाफ़ इस वक्त एक ही तवाना आवाज़ है और वह जमात इस्लामी है।